हेलो। ऐसा कहा जाता है कि थॉमस एडिसन जब इंटरव्यू लेते थे तो जो कैंडिडेट उनको पसंद आता उसको हायर करने से पहले वो उसको डिनर पे लेके जाते थे। डिनर पे जाके वो सूप ऑर्डर करते थे और जानबूझ के कहते थे कि मुझे लगता है कि सूप में ना सॉल्ट थोड़ा कम है, और सॉल्ट ऐड करते थे। फिर वो उस कैंडिडेट को ऑब्जर्व करते थे। अगर तो वो कैंडिडेट बिना टेस्ट किए ही सॉल्ट ऐड कर लेता था, उनकी बातों में आ जाता था, तो वो उसको हायर नहीं करते थे। और अगर वो कैंडिडेट सूप को टेस्ट करने के बाद डिसाइड करता था कि सॉल्ट ऐड करना है या नहीं, तो उसको वो सिलेक्ट कर लेते थे, हायर कर लेते थे। वो ऐसा क्यों करते? वो ऐसा इसलिए करते थे कि वो ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहते थे जो पहले से ही मन में चीजें डिसाइड करके बैठे हो, जो एक सूप जैसी चीज में भी डिसाइड करके बैठे हो कि इसमें सॉल्ट कम ही होगा या मेरे हिसाब से नहीं होगा। वो ऐसे लोगों को हायर नहीं करना चाहते थे जो लोगों के हिसाब से चले, जो अपना डिसीजन खुद ना लें। उनको सर्च थी ऐसे लोगों की जो assumptions नहीं बनाते। In fact, वो ऐसे लोग ढूंढ रहे थे जो assumptions को challenge करते हैं, जो पहले experience करते हैं, situation को समझते हैं, देखते हैं और अपना decision खुद लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोग ही companies को, relations को और खुद को successful बनाते हैं। हम सब भी कई बार अपने बारे में बिना सूप टेस्ट किए, मतलब बिना ट्राई किए assumptions बनाते हैं कि ये जॉब मैं नहीं कर सकता, ये करियर मेरे लिए नहीं है, ये मेरी कैपेबिलिटीज के बाहर है। दूसरों के कहने पे अपनी ही कैपेबिलिटीज पे शक करना शुरू कर देते हैं। सो अपने बारे में अगर डिसीजंस लेने हो तो बिना ट्राई किए मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे। अगर खुद को लेके डाउट्स आपके माइंड में है तो एक बार खुद को आजमा के तो देखो। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई है कि इस लाइफ के रेस्टोरेंट में अगर टेस्ट किए बिना डिसीजन लेंगे तो अच्छा वाला स्वाद खराब हो सकता है।